मम्मा बिट्टू दोनों ना लिए हैं, मम्मा बिट्टू दोनों ना लिए है ना। सो गाइस, अभी मैं बिट्टू को ट्रेनिंग दे रही हूँ बोलने की। ये देखिए कैसे करेगा बेटा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइज आप लोग ठीक होंगे। और गाइज, जस्ट मैंने अभी बेबी को सुला दिया, देखिए सोचिए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। मैं भी इसी के साथ में थोड़ा सा सोऊंगी एंड इसके बाद जो है, देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी ऊपर लेकर ही सोई हूँ। इट मींस कि आप लोग देख सकते हैं कि बेबी की आंखों में काजल नहीं है। मैंने इसका मसाज कर दिया है बट इसका काजल नहीं लगाया, क्योंकि जो इसका काजल ना ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही जो है इसका काजल बना दूँ और आप लोग के साथ इसका ब्लॉग भी शेयर कर दूँ कि काजल कैसे बनाते बेबी का। और इसका ऑयल भी बनाना है, क्योंकि जो मैंने पिछला ऑयल बनाया था ना ठंड वाला, तो वो भी जो है ख़त्म हो गया है। तो बस आज ऑयल भी बनाना है और काजल भी बनाना। आप लोग देख सकते हैं बिट्टू सो के उठ गया है और वो अभी खेल रहा है, देखिए वो खेल रहा है अभी। और मैं चली अब उसका जो है पहले काजल रेडी करूँगी। तो ये देखिए काजल जो है ना बन गया है। इसको जो है दिए के ज़रिए जो है इसको बनाया गया है। कैसे बनाते हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊंगी। ये काजल बन गया, अब इसको जो है फाइनल वाला रेडी करने जा रही हूँ। और ये है मेरे हाथों में पुछ पुछिया। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट इसका नाम ही पुछ पुछिया है। इससे जो है ना ये काजल थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और बाबू के आँखों में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सुन रहा है सब कुछ मैं क्या बता रही हूँ? देखिए बेटा, ए बिट्टू बेटू, मासी को देख रहे हैं, मासी कंघी कर रही है ना, मासी को देख रहे हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसको रेडी करने। और ये रहा उसका काजल वाला बॉक्स, जिसको मैंने काजल कपड़े से एक रैप कर रखा है। इससे जो है बेबी के काजल में ना डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, तो डस्ट वगैरह जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इससे जो है कवर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहता है ये। तो गाइज अब चलिए रेडी करते पहले काजल, उसके बाद ऑयल रेडी करूँगी मैं। तो गाइस ये देखिए मेरी बेबी का काजल वाला है ये, इसमें मैं काजल रखती हूँ इसका। और ये भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो गया है। और पिछली बार जब मैंने काजल बनाया था ना, तो ये एक्स्ट्रा बच गया था, तो इसी का अब बनाएंगे। और ये देखिए ये है पुछ पुछिया की टैबलेट। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये काजल कितना परफेक्टली रेडी हो गया है। और ये ना होम मेड है, तो इससे बाबू को बिल्कुल भी डर नहीं, बाबू की ना आँखों में नहीं लगेगा। अदरवाइज बाहर का जो आर्टिफिशियल होता है वो लगाने में तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं कभी ट्राई भी नहीं कर सकती वो काजल। अगर नहीं रहे तो नहीं लगाऊंगी, बट मैं वो नहीं लगा सकती। तो ये जो है ना एकदम स्मूथ हो गया है और बहुत ही अच्छे से, देखिए मेरे हाथ में ये सारा आ गया है। अब मैं जो है ना इसी के हेल्प से जो है इसके अंदर कन्वर्ट करूँगी। तो ये देखिए गाइस, बेबी का काजल जो है परफेक्टली रेडी हो गया है। और अब मैं जो है इसको एक कपड़े में करके, बाबू का जो कपड़ा है उसमें करके इसको फिर से जो है रख दूँगी, ताकि इसमें जो अगेन जो है कुछ डस्ट वगैरह ना पड़े। सो गाइस, अभी मैं बिट्टू को ट्रेनिंग दे रही हूँ बोलने की। ये देखिए कैसे करेगा बेटा। मेरी तरफ देखो, ये ना यही दिक्कत है, फ़ोन में देखने लगता है। आप लोग जैसे आप लोग को दिखाऊँगे फ़ोन में देखना स्टार्ट कर देगा। मामा मामा पापा
बेटा मेरी तरफ देखो, उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है बेटा। पापा, नाना, ना, ये ना अभी फोन में देख रहा है, अदरवाइज जो है जब मैं इसके सामने बोलूंगी ना पापा मामा नाना, तो ना मेरे मुंह, मेरा जो माउथ है वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है, ये एकदम ध्यान से दिखता है। अभी जो है ना ये देख नहीं रहा, उधर फोन में देख रहा है बेटा। ए बेटा देखो पापा, ए शोना बेटा, शोना बेटा, शोना बेटा, गंदी बात है, गंदी बात है बेटा, जाओ, गंदी बात है। सो ध्यान ही नहीं हट रहा फोन पर से, मैं कैसे बताऊं। पापा, बेटा, पापा, खड़ा हो गया हवलदार है, हवलदार। पापा, मामा, अच्छा माँ, माँ बोल दो, माँ, मम्मा, नहीं, अब मम्मा बोल दो, मम्मा बोल दो, मम्मा बोल दो, सबके सामने मम्मा बोल दो, मम्मा बोल दो, मम्मा, मम्मा। माँ कब बोलेगा बेटा मुझे? बेटा माम, मम्मी कब बोलोगे मुझे? मम्मी नहीं, मम्मा बोलेगा, मम्मा, मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, है ना बेटा? मम्मा बोलोगे? मेरे बेटे का ध्यान गैस आप लोगों पे है, ये मम्मा मम्मा कुछ नहीं सुन रहा है, बस ये आप ही लोगों को देख रहा है अभी। मालूंगा आपको मैं, बहुत ज्यादा मारूंगा, बहुत ज्यादा पीटूंगा, बहुत ज्यादा पीटूंगा। सो गाइस, बिट्टू अभी सो के उठा था तो मैंने इसको जो है ड्रेस पहना दिया है, और अभी मैंने इसका काजल वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि अभी सो के उठा था, इसी के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं। बेटा जी, गंदी बात है, मेरा बाल ना, अब ना गाइस ये मेरे बाल इतनी तेज से पकड़ता है, इतना तेजी से पकड़ता है जिसका हद नहीं है। मुझे जो है ना मम्मी की, बहन की, सब दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है बाल छुड़वाने के लिए, और अपना उंगली भी ना काफ़ी तेजी से अपने मुंह में डाल लेता है, मुंह में डाल के बस चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। तो गाइस देखिए, मैंने अभी इसको जो है ना रोमपर पहनाया था ये वाला, और अभी इसने जस्ट पोटी कर दिया, और मैं इसको खिला रही थी ना, तो मतलब इसको सिटिंग पोजीशन में रखा था, तो इसने रोमपर में भी थोड़ी पोटी लगा दी है। अब मैं जा रही हूँ इसका ये रोमपर चेंज करने के लिए, और ये बेटा अब कड़ा पहन रहा है जो कि खोल खोल के हाथ में ले ले रहा है आपसे पहना नहीं जा रहा, ये बताओ तो किसी और को पहना दूँ क्या बेटा? सो गाइस, अभी बेबी ने पोटी कर दिया था, और अभी जस्ट उसको जो है क्लीन किया, और कुछ ज़्यादा मतलब बॉडी में लग गया था इसका, जो उसको नहला दिया, तो देखिए पीयू वहाँ पे उसको रेडी कर रही, नहाया और है हाँ लगा दो, बस उसको जल्दी से हीट के सामने रखा है, उसको जो है बेबी को ऑयल लगा रही पी, एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, इवनिंग के 6 बजने वाले इस टाइम पे। सो मैं नहा के मिलती हूँ। बिट्टू कहाँ है? मम्मी बिट्टू कहाँ है? मम्मा बिट्टू दोनों नहा लिए हैं, मम्मा बिट्टू दोनों नहा लिए है ना? रोना बंद कर दिए, नीचे तक सुनाई दे रहा था रोना अभी। ब्लॉग में देख रहा है फोन। हाँ ये ऐसे देखता है यार, रोना बंद कर दिए हैं अभी तो, इतना ज्यादा रो रहे थे। मैं दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ, साइड हो यार, उधर चालू कर, बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइज अब मैं बेबी के लिए ऑयल रेडी कर रही हूँ, मसाज वाला, जो कि मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, मैंने पिछले मंथ में बनाया था, वही मैंने करीबन 1.5 लीटर ऑयल से बनाया था, जो कि करीबन चला है मेरा, और वो अब जो है ना ख़त्म हो गया, इसलिए जो फिर से मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। और बहुत से लोगों का ना कमेंट आ रहा था कि कैसे ऑयल रेडी करना है, तो इसलिए जो है मैं एक मतलब ऑयल रेडी कर रही, तो मैं आपको फिर से जो है वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने देखा जैसे मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है,
इसको हीट कर लिया। इसके बाद जो है हींग डाला, करीबन 1 स्पून जो है मैंने हींग डाला है। हींग से बहुत से बेनिफिट होते हैं, फर्स्टली कि ऐसे से बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है, पहला बेनिफिट तो यही बहुत बड़ा है। एंड उसके बाद गैस मैंने अजवाइन डाला है, वो भी करीबन 2 स्पून अजवाइन है। अजवाइन जब अच्छे से रेड हो गया तो मैंने लहसुन जो है छुरी के जो है कट कर लिया था और उसको जो है मैं डाल रही हूँ। एंड वो डालने के बाद जब वो हल्का रेड हो गया ना तो मैंने जो है मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और अब जो है ये ऑयल आप लोग देख सकते हैं, जब प्रॉपर हीट हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। देखिए यहाँ पे ही प्रॉपर ऑयल जो है हो गया है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और जब ये पूरा ठंडा हो गया तो मैंने इसको जो है छन्नी की हेल्प से छान लिया है, और जिससे जो है ना बेबी को बिल्कुल भी इसमें ना लगे। और यहाँ पर देखिए बेबी खेल रहा है। और ऑयल जो है मैंने छान के एक बोतल में कन्वर्ट कर लिया, ताकि जो है जब भी मसाज करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ईजी हो बेबी को मसाज करना ऑयल लेके। तो बस इस ऑयल को जो है मैं रख देती हूँ, और जब भी मसाज करेंगे तो लूँगी। सो गाइस, बेबी अभी मेरे गोद में ही सो गया है। अभी इसको फीड कराया है तो ये अभी सोया है। एंड मैं अब जा रही इसको सुलाने, और सुलाने के बाद गाइस अभी बहुत से काम है। अभी ना यू उल्टे हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए ऐसा आ रहा है, तो इग्नोर करिएगा आप लोग। और अब गाइस बहुत से काम है जो मैं अब करने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए आगे रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाना। इसलिए जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक। मिलते किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।